मैं सख्तबाद में लूंगा, हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद सख्त लूंगा। कल से किसने स्टे दे रखा था उनको ज्वाइनिंग देने पे? आप पे किसने स्टे लगा रखा था? आप क्यों बच्चों को मीठी गोली दे रहे हैं? जैसे हरियाणा में मेरे बुजुर्गवार कहते, आपकी लॉलीपॉप और मीठी गोली में हरियाणा के नौजवान आने वाले नहीं, सबको पता है। हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार हैं। भाजपा की विदाई हो चुकी है, लोगों ने मोर लगानी है बटन दबाकर बस। अगर कांग्रेस पार्टी ये भर्ती रोको गैंग जयराम रमेश वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापिस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे। शायद सूरज भी पश्चिम से निकलता है, शायद हम पृथ्वी पर नहीं है, चांद के ऊपर ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, शायद चुनाव जो है वो जुपिटर पे होने वाला है, शायद उसकी वोटों की गिनती समुन्द्र के धरातल पे होएगी, ये सब बातें भी कह सकते हैं कल को नायब सिंह जी। कल से किसने स्टे दे रखा था उनको ज्वाइनिंग देने पे? 10 साल में सर 3,650 दिन होते हैं आदरणीय नायब सिंह जी, आप यहीं थे, आप मंत्री भी थे, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, आप पे किसने स्टे लगा रखा था? आप क्यों बच्चों को मीठी गोली दे रहे हैं? जैसे हरियाणा में मेरे बुजुर्गवार कहते, आपकी लॉलीपॉप और मीठी गोली में हरियाणा के नौजवान आने वाले नहीं, सबको पता है। भाजपा की विदाई हो चुकी है, लोगों ने मोर लगानी है बटन दबाकर बस। हाँ, शायद सूरज भी पश्चिम से निकलता है, शायद हम पृथ्वी पर नहीं है, चांद के ऊपर ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, शायद चुनाव जो है वो जुपिटर पे होने वाला है, शायद उसकी वोटों की गिनती समुन्द्र के धरातल पे होएगी, ये सब बातें भी कह सकते हैं कल को नायब सिंह जी। तो अब ये उन्हीं को मुबारक, माफ कीजिए, हरियाणा की आत्मा लहूलुहान है। दुर्भाग्य यही है हमारा कि हमने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जिनके हाथ 750 शहीद किसानों के खून से सने, जिन्होंने चलना भी चलवाई, अश्रुस भी चलवाई, जिन्होंने डेरे अनुयायी तक को नहीं, वो चाहे बाबा पाल के अनुयायी हों, वो सच्चा सौ की हमारी बहन और दूसरी अनुयायी हों, पता नहीं कितने मारकर पीटे। नायब सिंह सैनी पंचकुला जाकर जब सच्चा सौदा की हमारी बहनों के ऊपर लाठियां चला रही थी बीजेपी, अगर जूती जूतियों के जोड़े गिन लेते ना तो 2 लाख से ज्यादा तो जूतियों के जोड़े जो हैं पंचकुला की सड़कों पर थे। मेरा तो वहां घर भी है 1978 से, मैं इसलिए आपको ये बात बताई, काश वो हरियाणा के उन नौजवानों की लाशों को गिन लेते, 19 बच्चे तो हमारे जिले के मर चुके, हरियाणा का 400-500 बच्चा मर गया डोंकी में जो गया हुआ है। नायब सिंह जी आप तो उनकी डेड बॉडी लाने में फेल हैं। जाकर बंदराणा पूछ लीजिए, सबसे ताजा उदाहरण है जो आपने कवर भी किया। दुर्भाग्य से ये लोग अहंकार की पट्टी लगाए बैठे हुए हैं, इनको लोगों की तकलीफ नजर नहीं आती।